तो भाई बात कुछ ऐसी है, आज गया था मैं करने शॉपिंग और मेरे सामने पड़ी है रेड बुल की ये बॉटल और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हुआ करता था रेड बुल का एक ज़माने में। और फिर मैं गया कैश काउंटर पे, 115 रुपये पे किए। सो उस 115 रुपये के लिए इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आज हम बात करेंगे रेड बुल कैसी है या कोई भी एनर्जी ड्रिंक कैसा होता है। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी ड्रिंक होती क्या है या एनर्जी ड्रिंक किसके लिए होती है। तो एनर्जी ड्रिंक बेसिकली नाम से ही क्लियर है कि जब भी आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत हो तो आप एनर्जी ड्रिंक वहाँ पे लेते हो। कई लोग इसे प्री वर्कआउट के तरह लेते हैं, कई लोग स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट खेल रहे हैं बीच में थके, एनर्जी ड्रिंक ले लो। अगर आप रनिंग कर रहे हो, मैराथन में हो, आप थोड़ा देर में थके, एनर्जी ड्रिंक ले लो। तो एनर्जी ड्रिंक का यही काम होता है। और एक और इसका यूज़ है जो मैं करता हूँ, अगर आप ड्रिंक नहीं करते हो और आप किसी भी पब्स में जाते हो तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप रेड बुल ले सकते हो। सो ये वहाँ भी मेरे काम आ जाती है। लेकिन अब बात करते हैं, यार ये तो बात हो गई एनर्जी ड्रिंक किसके लिए होता है क्या होता है, अब बात करते हैं इसके न्यूट्रिशन फैक्ट के बारे में। तो अगर न्यूट्रिशन फैक्ट की बात करें तो अगर 250 ml यानी कि ये बॉटल अगर एक सर्विंग आप ले रहे हो तो उस केस में आपको करीब करीब अगर एनर्जी की बात करें तो 112 कैलोरीज मिल जाती हैं। साथ में वहीं अगर बात करें कि इसमें कार्ब्स कितना मिलता है तो 27.5 ग्राम कार्ब्स आपको मिलता है इसके एक सर्विंग में, जो कि पूरा आ रहा है शुगर से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, पूरा शुगर से आ रहा है इसमें और कोई चीज़ नहीं यूज़ हुई है, इसलिए बहुत लोग इसे मीठा पानी भी बोलते हैं। अभी बात आगे करेंगे कि कैसा है ये। तीसरी चीज़ जो इसमें यूज़ होती है वो यूज़ होती है कैफीन। तो कैफीन करीब करीब इसमें 75 mg के अराउंड आपको मिल जाती है एक सर्विंग में। सो अगर बात करें नायसिन की तो यहाँ नायसिन आपको 6 mg के अराउंड मिलता है और यहाँ पे आपको टॉरिन भी मिल जाता है 1000 mg के अराउंड। तो ये सारे थे इसके न्यूट्रिशन फैक्ट, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। साथ में आपको यहाँ पे B2, B6 और B12 भी देखने को मिल जाता है। सो अब बात करते हैं ये काम कैसे करता है। तो काम करने के लिए न्यूट्रिशन फैक्ट मैंने जैसे आपको बताया इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। तो पहली चीज़ है कार्ब्स। कार्ब्स जो है एक अच्छा सोर्स है इंस्टेंट एनर्जी का। तो 27.5 ग्राम्स कार्ब्स आपको मिलते हैं जो आपको एक रिचार्ज देते हैं, आपको एक बूस्ट देते हैं आपके जो भी एक्टिविटी चल रही है उसको अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। साथ ही में यहाँ कैफीन का यूज़ होता है। तो कैफीन जो है आपको फोकस रखती है और आपको जगाए रखती है, तो यहाँ पे कैफीन का रोल आ जाता है। तीसरी चीज़ इसमें जो नायसिन यूज़ हुई है, तो नायसिन बेसिकली क्या काम करता है, ATP के जनरेशन में हेल्प करता है। अब ATP का कंसेप्ट आपको शायद नहीं पता हो तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है क्रिएटिन की, आप जाके देख सकते हो। सो बेसिकली ATP जब टूटता है ADP में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट टूटता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, तो वहाँ एक फॉस्फेट रिलीज होता है और साथ ही में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है जो एनर्जी हम यूज़ करते हैं अपने काम में या अपनी एक्टिविटी में। और इस ATP के जनरेशन में काम करता है हमारा नायसिन। और नायसिन का साथ में काम एक और चीज़ का होता है, ये आपकी जो वेन्स होती हैं उनको ब्रॉड करता है, यानी आपकी वेन्स जो होती हैं जो ब्लड लेके जाती हैं, तो ब्लड तेज़ी से फ्लो होगा जब ये ब्रॉड हो जाएंगी। तो सो बेसिकली ये भी काम होता है नायसिन का। तो बहुत सारे लोग नायसिन को यूज़ करते हैं पंप लाने के लिए, लेकिन उतना बेनिफिशियल नहीं, उसके लिए भी दूसरी वीडियो में बात करेंगे, कभी और बनाएंगे इसकी वीडियो। सो इस तरह से ये सारे जो न्यूट्रिशन इसमें थे ये मिला के आपको एक्टिव रखते हैं, फोकस रखते हैं, इंस्टेंट एनर्जी देते हैं और आप अपना जो भी परफॉर्म कर रहे थे, जो भी एक्टिविटी कर रहे थे, वो बहुत स्मूथली आप करते रहते हैं। अब बात करते हैं भाई ये होता कैसा है, कंक्लूजन पे आते हैं। तो अगर मैं कंक्लूजन करूँ तो इसमें सारी चीज़ें अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है इसमें, आपको विटामिन्स मिल रहे हैं, नायसिन मिल रहा है, कैफीन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। बट एक चीज़ जो आपके लिए ख़राब है वो है शुगर। यहाँ पे आपको 27.5 ग्राम शुगर मिल रही है, बट डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं जो हेल्थ के बारे में बताती हैं और उनका कहना है कि आप 25 ग्राम टू 35 ग्राम्स के बीच में ही शुगर आप ले सकते हैं मैक्सिमम, मैं बता रहा हूँ। इससे कम ले तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन 35 ग्राम से आपको ऊपर नहीं जाना है। बट अगर आप ये सोचो कि आप एक ये ड्रिंक पीने के बाद 28 ग्राम के अराउंड अगर आपको शुगर मिल जा रही है तो बाकी दिन का कोटा आपका कहाँ गया। सो अगर आप कभी कभी से ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी स्पोर्ट के दौरान ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एज अ प्री वर्कआउट आप यूज़ कर रहे हैं तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ और आपको ये बहुत नुकसान करने वाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा है, बहुत ज़्यादा शुगर यूज़ हुई है और शुगर आपके लिए कभी भी अच्छी नहीं होती है, एम्प्टी कैलोरीज होती है। सो ये बातें हो गई रेड बुल की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट करना और आप बताना कि आप प्री वर्कआउट कौन सा यूज़ कर रहे हो, तो फिर मैं कंपैरिजन करूंगा अगले वीडियो में
प्री वर्कआउट और एनर्जी ड्रिंक में बेटर कौन सा है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। और यार घंटा बजा के और सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।